बढ़ती हुई दरों को लेकर भाजपा ने प्रदेशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में जयपुर के सांभर में भी विधायक निर्मल कुमावत के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जेवीवीएनएल कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और सरकार के नाम अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। अलवर की एनीबी थाना पुलिस ने हनी ट्रैप के मामले में पति पत्नी को गिरफ्तार किया। एएसपी शिवलाल बैरवा ने बताया कि गुरमीत सिंह और उसकी पत्नी सुरेंद्र कौर को गिरफ्तार किया। आरोपी महिला सुरेंद्र कौर पैसे वाले लोगों से दोस्ती करती थी और घर बुलाकर रेप के मामले में फंसाने की धमकी देकर ब्लैकमेल किया करती थी। आरोपी पति पत्नी ने फिरका फिरोजपुर में रहने वाले एक व्यक्ति को भी हनी ट्रैप के मामले में फंसाने की धमकी देकर 3 लाख रुपए की फिरौती मांगी। इसके बाद मामले का खुलासा हुआ। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। बाद में पता चला कि इसको करीब 3 लाख रुपए की फिरौती इससे मांग रहे थे। पुलिस ने जो फिरौती मांग रहे थे उनको आज गिरफ्तार किया है, जिसमें गिरफ्तार महिला एक है और दूसरा उसका पति है, दोनों है। और फिरौती मांगने का जो तरीका था कि महिला पहले उसको प्रेम का लालच देती थी, उसके बाद दोस्ती करती थी, दोस्ती के बाद उस आदमी को अपने पास बुलाती थी और बुलाने के बाद ये उसको घर में रोक लेते थे और बाद में परिजनों से बार्गेनिंग करते थे कि आपके लड़के के खिलाफ 376 बलात्कार जैसा गंभीर आरोप है, या मतलब इसने इस तरह की बदमाशी की है, या तो आप हमें पैसे दीजिए वरना इसके के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। अलवर के एनीबी थाना पुलिस ने चैन स्नैचिंग के मामले में 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों के खिलाफ दिल्ली सहित कई थानों में मुकदमे दर्ज हैं। एएसपी शिवलाल बैरवा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में सुभाष नगर में चैन स्नैचिंग की वारदात को उन्होंने अंजाम दिया। इसकी जांच पड़ताल के बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपी रंजीत और इंद्रजीत दिल्ली के रहने वाले हैं। इन्होंने 100 से भी अधिक वारदातों को अंजाम दिया है। एक महिला थी और वो रोड के किनारे जा रही थी। मोटरसाइकिल सवार दो व्यक्ति आए और उन्होंने पीछे वाले ने उनके गले पर हाथ मारा और उनकी चैन को तोड़ दिया। इस तरह का है, पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया मैटर को, FIR दर्ज की। उसके बाद कल हम लोगों ने नाकाबंदी में इन दोनों जो बदमाश थे, जिनको CCTV फुटेज के आधार पर हम लोगों ने इनकी पहचान करके और अलवर पुलिस ने पकड़े थे। पकड़ने पर पता चला कि ये लोग दिल्ली के रहने वाले हैं और पहले का नाम रणजीत है और दूसरे का नाम इंद्रजीत सिंह है। ये मूलतः दिल्ली के रहने वाले हैं और दिल्ली में जब इनकी क्राइम हिस्ट्री को चेक किया तो कम से कम 100 वारदातें, 100 से ज़्यादा इन्होंने चैन स्नैचिंग की वारदातें की है। और इन दोनों के खिलाफ रिकॉर्डेड एक के खिलाफ 28 मुकदमे दर्ज हैं और दूसरे के खिलाफ 5 मुकदमे हैं। बाकी और रिकॉर्ड लिया जा रहा है इनका कि अलग अलग थानों में इनके द्वारा कम से कम 40 मुकदमे कबूल किए गए हैं कि इसके खिलाफ 40 मुकदमे दर्ज हैं। अजमेर में क्लॉक टावर थाना इलाके के मलूसर रोड पर चोरों ने एक मकान को निशाना बना लिया और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए, लेकिन चोरी की जो वारदात थी वो पास लगे CCTV में कैद हो गई। इसके आधार पर पीड़ित ने मामला दर्ज करा है और पुलिस फिलहाल मामले की जाँच कर रही है। BSTC में प्रवेश हेतु होने वाली pre-DLED परीक्षा आयोजित हुई। दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित हुई इस परीक्षा का आयोजन शिक्षा विभाग निदेशालय बीकानेर की ओर से किया गया। परीक्षा के लिए प्रदेश भर में 6,69,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, जिसमें जयपुर में परीक्षा के लिए 53,000 अभ्यर्थियों के लिए सेंटर बनाए गए। कोरोना संक्रमण को देखते हुए परीक्षा विभाग की ओर से हेल्थ प्रोटोकॉल गाइडलाइंस जारी की गई, जिसके चलते परीक्षा केंद्र पर बिना मास्क के अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं दिया, साथ ही हैंड सैनिटाइजर करके ही अभ्यर्थियों को अंदर प्रवेश दिया गया। परीक्षा हॉल में सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए 15 अभ्यर्थियों के बैठने की व्यवस्था की गई।
ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग देखते हुए 1444 परीक्षा केंद्र पिछले साल के मुकाबले अधिक बनाए गए। यहाँ इस साल 3656 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई। और बीएसटीसी के एंट्रेंस के लिए परीक्षा का आयोजन हुआ। दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक परीक्षा का आयोजन आज हुआ। और चलिए आपको सीधे ले चलते हैं लोकार्पण।